राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रानी शर्मा किचन में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट कटहल की सब्जी की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और गर्मियों के मौसम में कटहल बहुत मिल रही है, तो आज मैं इसी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करें, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं एकदम झटपट और आसान तरीका से। तो ये कटहल की सब्जी खाने की बहुत ही फायदे हैं, इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, और डायबिटीज पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप भी ज़रूर कटहल की सब्जी बनाकर खाएं। तो देखिए मेरी कटहल की सब्जी बनकर तैयार है। तो इसके लिए हमने देखिए आधा किलो के लगभग कटहल ले लिए हैं, तो बाज़ार में बहुत ही कटहल मिल रही है, तो थोड़ी ये पक चुकी है कटहल, तो इसे बीजा हो गई है, तो थोड़ी छोटे छोटे बीजा है, तो इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए मैंने इसे कुकर में 2 गिलास पानी ले लिया है, इसमें थोड़ी सी नमक और हल्दी डाल देंगे और कटहल को इसमें डालकर हम 2 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। तो जब तक कटहल पक रही है तो इसलिए मैं प्याज काट लूँगी। मैंने 4 से 5 प्याज ले लिया, इसे छिलका हटा लिया और इसे पतला पतला स्लाइस में हम प्याज को काट लेंगे। तो इससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनती है और कटहल की सब्जी में ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो टमाटर और प्याज ज़रूर दीजिएगा, तो इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। तो इसी तरह हम सबको काट लेंगे, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, तो छोटे टुकड़ों में हमने टमाटर को भी काट लिया है। तो जब भी कटहल की सब्जी बनाए तो 4-5 लहसुन गोटा ही छील के काटिएगा, तो इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने 2 आलू ले लिया है, आप चाहे तो कटहल के साथ ही आलू को भी सिझा ले, मैं इस तरह फ्राई करके दूंगी। तो मैं 2 आलू को छोटे टुकड़ों में काट लिया है हमने। तो देखिए सारे सब्जियां हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। तब हम कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए, अब हम सरसों का तेल डालेंगे 4 से 5 चम्मच। तो इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और खड़ा मसाला हम डालेंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी, गोलमिर्च सब हम डाल देंगे इसमें। तो मसाला चटकने लगी है तो उसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे, और ये देखिए लहसुन की कलियाँ हमने डाल दिए हैं, इससे सब्जी के स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो हमने प्याज को भी डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर ले हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे प्याज को। तो प्याज भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तब हम इसे मसाला डालेंगे, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और धनिया जीरा डाल देंगे। और मैं घर में हमेशा मसाला पीस कर रखती हूँ, तो वो मसाला मैं 1 चम्मच डाल दूंगी भरकर। मैं घर का ही मसाला यूज करती हूँ, गोटा मसाला ला के घर में पीस लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर इस तरह बना के रखें, तो मैं इसका वीडियो भी बना कर डाली हूँ। तो सभी मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग। तो देखिए प्याज मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि टमाटर भी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 4 से 5 चम्मच के लगभग। तो हम सभी मसालों को मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगा देंगे ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तब हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें भी हम थोड़ी सी सरसों तेल डालेंगे 4 से 5 चम्मच। अब हम आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए आलू फ्राई हो रही है, तब तक मैं यहाँ कटहल देख लेती हूँ, कटहल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तब हम इसका पानी निकाल लेंगे और कटहल को छान कर लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आलू भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो हम एक प्लेट में आलू को निकाल लेंगे। तब हम इसी तेल में कटहल को भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम कटहल को भी फ्राई कर लेंगे। तो
कटहल को इस तरह थोड़ा फ्राई करके सब्जी बनाने से इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे भी देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया कटहल को भी। तब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे कटहल को। तब हम दूसरी तरफ देखेंगे, मसाला भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसे मैंने थोड़ी सी पानी डाल दी थी ताकि सभी मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। तब हम एक चम्मच से प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बने। तब हम मिलाने के बाद इसमें फ्राई किया हुआ आलू को डाल देंगे। अब हम आलू को मसाला मिलाकर थोड़ी देर ढक देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए। तब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो देखिए आलू भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तब हम इसमें कटहल भी डाल के मिला लेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम झटपट बन जाती है। तो आप भी एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी सब्जी। तो रोटी पराठा चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ही पसंद है कटहल की सब्जी, तो मैं हमेशा बनाती हूँ। और इसी तरह मैं सूखा सूखा एकदम ग्रेवी वाला सब्जी बनाती हूँ। तब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देंगे, मुझे धनिया पत्ता बहुत ही पसंद है। तो मेरी सब्जी बनकर तैयार है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मेरी कटहल की सब्जी की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो आप तो जानते हैं कटहल की सब्जी खाने के बहुत ही फायदे हैं, इससे अस्थमा भी ठीक होती है और हड्डी भी मजबूत रहता है। तो आप भी ज़रूर कटहल की सब्जी बना कर इसके तो कोफ्ता और कटहल की सब्जी तो इस तरह से बनाएंगे तो आपको चिकन मटन खाना भूल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फ्रेंड, आप सब ज़रूर बोल बताइएगा मेरी सब्जी कैसे बनी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।